स्थानीय बाजार में राधेश्याम मदेशिया के निवास स्थान पर महान संत गोस्वामी तुलसीदास की जयंती बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर मानस केसरी कन्हैया दास रामायणी ने विधि विधान के साथ पूजन अर्चना किया और कहा कि जो अतुलनीय हो, अनुपम हो, बेजोड़ हो, उसी का नाम तुलसी है। तुलसीदास जी ने रामचरित मानस की रचना कर विश्व व्यवस्था को धन्य कर दिया। अगर सही आस्था किया जाए तो तुलसी राष्ट्र संत है जिन्होंने मानवता को जीवन जीने की कला सिखाई। इस मौके पर बनवंद इंटर कॉलेज लुधुही रिटायर्ड प्रवक्ता केदारनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने मनुष्य को संत और असंत का अंतर सिखाया। रामचरितमानस के हर दोहे से जीवन जीने की कल्पना निकलती है। इन्होंने ऐसा ग्रंथ लिख दिया जिसका अब तक इस विश्व में कोई जवाब नहीं है। फिर भी वे अपने आप को विद्वान नहीं मूर्ख मानते थे। उन्होंने कहा कि कहता है युग का जनगण मन तुलसी को 100 बार नमन। पवन मदेशिया ने कहा कि तुलसीदास जी कोई साधारण मनुष्य नहीं, वह देवदूत थे। रामचरित की रचना कोई मनुष्य नहीं कर सकता। डॉक्टर राधेश्याम मदेशिया ने कहा कि यह बात शोध करने की है कि जिस संत ने जाति पाति छुआ छूत ऊंच नीच को समाप्त करने के लिए जी तोड़ प्रयास किया उसे संसार ने मनुवादी कहा। इससे पहले पवन कुमार ने तुलसीदास जी के चित्र पर दीप जलाकर व मानस केसरी कन्हैया दास रामायणी ने माल्या अर्पण कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। भंडारे के आयोजन में लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे और आए हुए अतिथियों का अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। भजन गीतकारों में सुनील कुमार राय, जयश्री ने कन्हैया कन्हैया कह के साजन पुकरे के जैसी है दुनियादारी, लाल मोर रोवत होए अकेले सोवत होए, मीठे मीठे बोल में घात ही घात है, किस पर उम्मीद करें आदि गीतों से लोगों का मन मोह लिया। इस अवसर पर राधेश्याम मदेशिया, पवन पूर्व प्रधान सुभाष प्रजापति, केदार सिंह, अभिषेक यादव, शैलेश राय, गिरधर गुप्ता, संजय गुप्ता, रामफल मौर्य, विनोद प्रजापति, रमेश लाल, राम आलम राय, डॉक्टर फेकू तिवारी, रामायण वर्मा आदि उपस्थित रहे।